2019 की द मल्टी स्टारर फिल्म कलंक, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, आखिर 17 अप्रैल को रिलीज हुई। आलिया भट्ट, वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य रॉय कपूर, माधुरी दीक्षित, संजय दत्त जैसे नामी कलाकार होने के बावजूद भी इस फिल्म को लोगों से कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। पिक्चर देख के हम निराश हो गए, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है इसमें, जितने सब अच्छे इतने अच्छे आर्टिस्ट है सब वेस्ट हो गए। जी हाँ, रिव्यूज के मुताबिक तो ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप रही है, लेकिन यहाँ बाजी तब पलटी जब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। बता दें कि 2019 की द बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म रही कलंक, जिसने रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर गली बॉय को और अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा स्टारर केसरी को भी पीछे छोड़ दिया है। इस फिल्म ने पहले ही दिन 21.60 करोड़ की कमाई की, जो फिल्म की रिव्यूज के मुताबिक हैरानी वाली बात है। इतना ही नहीं, वीकेंड पर इस फिल्म की कमाई में और भी बढ़ोतरी दिख सकती है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कलंक ने इंटरनेशनली भी अपना पिटारा भर भर के कमाया है। वेल, अब देखना ये होगा कि क्या ऐसे ही फ्लॉप बोलते बोलते करण जौहर की मूवी बॉक्स ऑफिस के रेस में आगे निकल जाएगी। आपकी क्या राय है? Do let us know in the comment section below.